आज मैं बना रही हूँ रेगुलर इडली में थोड़ा सा वेजिटेबल ट्विस्ट मार्बल इडलीज। ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है। अगर घर पे कोई गेस्ट आ रहा है ना, या बच्चों के टिफ़िन के लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। तो चलिए इसके लिए वेजिटेबल प्यूरी सबसे पहले बना लेते हैं। हरे रंग के लिए मैंने पालक को 3 से 4 मिनट उबलते पानी में ब्लांच कर लिया है। इसे मैं डाल रही हूँ मिक्सी के जार में। इसे ठंडे पानी से निकाल के भी हम डाल सकते हैं। फिर इसमें डालूँगी हरा धनिया और नमक। आप चाहिए तो हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, मैं नहीं डाल रही हूँ। इसे ठंडा करके पीस लेना है हमें। जब तक ये ठंडा हो रहा है और हम प्यूरी बना रहे हैं, तब तक मैंने बीट रूट उबालने रख दी है कुकर में। इसकी 2 से 4 सीटियाँ हम कर लेंगे। तो चलिए ग्रीन प्यूरी रेडी है। उस पर मैं डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच जितना इडली डोसा का जो रेडी बैटर आता है वो। जनरली मैं आईडी का इस्तेमाल करती हूँ। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए कितना प्यारा सा ग्रीन कलर इसमें आया है। बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि ये यूनिफॉर्म दिखे। चलिए ग्रीन कलर रेडी हो गया है। मेरे बीट रूट भी उबल गए हैं। इसे भी हम मिक्सी में ले लेंगे, नमक डाल के अच्छे से बहुत ही स्मूथ प्यूरी बना लेंगे। और इसमें भी मैं डालूँगी 2 चम्मच जितना आईडी का इडली बैटर और अच्छे से मिक्स कर लूँगी। दोनों ही बैटर में मैंने वेजिटेबल का प्रॉपर पेस्ट का इस्तेमाल किया है, ना कि सिर्फ पानी का, ताकि इसका कलर भी बहुत गाढ़ा है और न्यूट्रिशन पूरा पूरा मिले। ये देखिए लाल रंग भी कितना प्यारा लग रहा है हमारा, प्रॉपर बीटरूट का कलर है। अच्छे से मिक्स हो गया है, दोनों बैटर्स हमारे रेडी है। और तीसरा वाइट जो ओरिजिनल इडली का बैटर है। अब आप सोचोगे मैंने ग्लास क्यों लिया है, तो अब होता है कलाकारी शुरू। मैंने एक पाइपिंग बैग लिया है। आप चाहिए तो ये जिपलॉक बैग जो होते हैं ना घर पे, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। मेरे पास पाइपिंग बैग थे तो मैं उसका यूज़ कर रही हूँ। एक ग्लास में मैं डाल रही हूँ इसे, ताकि बैटर अच्छे से फील कर सकूँ। ये देखिए इस तरह से मैंने पाइपिंग बैग में हरा बैटर अच्छे से फील कर लिया है। आप इसी तरह से जिपलॉक बैग भी ग्लास में डाल के इसमें बैटर फिलअप कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से पूरा बैटर में मैंने इसमें डाला है। पाइपिंग बैग थोड़ा बड़ा होता है तो पूरा एक ही साथ हम इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए अब इसे अच्छे से हम सील कर लेंगे ऊपर से। और केक का क्रीम एंड बैटर, इसमें बहुत डिफरेंस होता है। केक का क्रीम थोड़ा गाढ़ा होता है, बैटर इतना गाढ़ा नहीं होता है, थोड़ा पतला होता है। तो ये बहुत ही डेलिकेट आराम से करना पड़ता है। ये देखिए पाइपिंग बैग को मैंने अच्छे से टाइटली बांध लिया है। ये थोड़ा कलाकारी वाला काम है, आपको ये सब नहीं करना है, तो आप नॉर्मल स्पून से भी ये कर सकते हैं आराम से। बट मैं थोड़ा कलाकारी दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। चलिए देखते हैं कैसे बनता है। तो ग्रीन पाइपिंग बैग मेरा रेडी हो गया है। इसी तरह से मैं बीटरूट का बैटर भी रेडी कर लूँगी। जैसे कि मैंने बताया, आप जिपलॉक बैग का भी इस्तेमाल कर सकते हो, और उसका एक साइड का कोना है उसे काट के आप इसका सेम पाइपिंग बैग जैसा ही यूज़ कर सकते हैं। तो तीनों पाइपिंग बैग मेरे रेडी है। थोड़ा सा वीडियो मेरा कट गया है, बट मैं आपको दिखा रही हूँ मार्बल इडली कैसे बना रही हूँ मैं। तो इडली के मोल को सबसे तो मैंने ग्रीस कर लिया है, उसके बाद वाइट बैटर डाला सबसे पहले, उसके ऊपर धीरे धीरे मैं डाल रही हूँ बीट रूट वाला बैटर, उसके अंदर मैं एक और बार डालूँगी ग्रीन बैटर। ये देखिए इसे ऐसे सर्कल्स बना बना के हम स्प्रेड कर रहे हैं। इस तरह से सेम लेयर्स और एक बार हम अंदर करेंगे, वाइट लेयर, रेड लेयर और ग्रीन लेयर। ये देखिए इस तरह से। फिर से एक बार रेड। जैसे ही आप ये बैटर डालते जाते हो ना, आगे की लेयर और आगे आगे चली जाती जाएगी, वो अपने आप स्प्रेड हो जाएगी। तो इसका इफ़ेक्ट देखिए, मार्बल जैसा इफ़ेक्ट आ रहा है। और ना कि ऊपर से, अंदर से भी इसकी लेयर्स बहुत ही प्यारी दिखेंगी। अब मैंने एक टूथपिक लिया है, तो सबसे पहले 4 लाइंस मैं अंदर से बाहर खींच रही हूँ। ये देखिए इस तरह से।
और फिर इनके बीच में से मैं बाहर से अंदर करूँगी, तो इसका प्रॉपर एकदम से मार्बल इफेक्ट आता है। ये देखिए इस तरह से, जो नॉर्मली हम चॉकलेट वैनिला या मार्बल केक खाते हैं ना, बस वैसा ही इफेक्ट इसका आता है। अलग अलग कॉम्बिनेशंस में आप इसे बना सकते हैं। ये देखिए कितनी प्यारी इडलियाँ बन के रेडी है, प्रॉपरली कुक भी हो गई है। इसकी मैंने मिनी बटन इडलीज का मोल्ड होता है उसमें मिनी इडलीज भी बनाई है, ताकि ये मैं बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकती हूँ। ये देखिए कितने प्यारे कलर्स आए हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कैसे बने थे।